वेलकम ऑल टू इकरायस आई एम डॉक्टर मोहम्मद ज़िया आज इकोनॉमी के क्वेश्चन की बात करेंगे इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही स्कोरिंग है आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं और हर साल आप इसमें से एक अच्छा गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रिकी होता है ट्रिकी क्यों होता है इकोनॉमी इसलिए ट्रिकी है क्योंकि सर उसमें दोनों चीज़ें हैं मतलब उसमें स्टैटिक पार्ट भी आ रहा है उसमें डायनामिक पार्ट भी आ रहा है दोनों का बैलेंस क्रिएट करना होता है इस वजह से कई बार क्वेश्चन में गलतियाँ हो जाती हैं हमारी टेस्ट सीरीज में हम आपको थोड़ा सा एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस देंगे जिससे कि आपकी इन गलतियों को हम कर कम कर सकें क्योंकि याद रखिएगा आपको सिलेक्शन से रोकने का काम वो क्वेश्चंस नहीं करते हैं जो आपको नहीं आते हैं आपको सिलेक्शन से रोकने का काम वो क्वेश्चन करते हैं प्रिलिम्स के अंदर जो आपको आते हैं और आप उन्हें गलत कर देते हैं तो विद दिस स्ट्राइक रेट अच्छा रखना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम गलत करने हैं शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की आज का एक क्वेश्चन इज ऑन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है शेड्यूल अक्रॉस द कंट्री एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस इन स्टेट अनलेस रिक्वेस्टेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट और और बाय द cbc बी is the central vigilance विजिलेंस कमीशन the high हाई कोर्ट कैन नॉट issued by इश्यूड directorate to a government अ गवर्नमेंट inquiry फॉर इंक्वायरी सो ईडी बहुत क्वेश्चन में है ईडी बहुत क्वेश्चन में रही है तो सवाल आएगा लेकिन ये नहीं आएगा कि किसको पकड़ा किसको छोड़ा सवाल इस तरीके से आएगा अलग अलग करके ब्रेक डाउन करते हैं पी यस एक्चुअली इनका काम यही है मेजरली ही ये पी को डील कर रहे होते हैं वो खू इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट और ये कहीं पर भी कहीं पर भी जो भी इनके पावर्स हैं कहीं पर भी यूज करते हैं अक्रॉस द कंट्री विच इज कंप्लीटली ट्रू दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर वन स्टेटमेंट नंबर वन इज एप्सल्यूटली करेक्ट स्टेटमेंट नंबर टू की बात करें ईडी कैन टेक कॉग्नीजेंस ऑफ एनी ऑफेंस जाहिर सी बात है ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे की कॉन्ट्रोडिक्टी अगर ये सही है तो ये गलत है इनको कोई रिक्वेस्ट नहीं कॉग्निजेंस मतलब सेल्फ ओस एक्ट कर सकते हैं द हाई कोर्ट कैन नॉट स्टे द समन्स नो हाई कोर्ट कैन स्टे द समन्स ये बार बार न्यूज में था कि एक्स पॉलिटिशियन के समन्स को जो है हाईकोर्ट से स्टे मिलता गया सो ये आपको ध्यान रखना है करंट अफेयर का क्वेश्चन है चाहे करंट अफेयर में डाल दो चाहे इकोनॉमी में डाल दो